नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। गृह मंत्री अमित शाह के गुपकार गैंग वाले बयान को लेकर अब कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने उन पर पलटवार किया है। सिब्बल ने आज ट्वीट कर कहा, अमित शाह का आरोप है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर को आतंक और अराजकता के दौर में वापस ले जाना चाहती है, जब वो आगामी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चुनावों के लिए दूसरी पार्टियों के साथ बात कर रही है। इसके साथ ही सिब्बल ने शाह से पूछा, अमित जी, क्या बीजेपी पीडीपी गठबंधन जम्मू कश्मीर में आतंक वापस लाने के लिए था? तब आप किस गैंग का हिस्सा थे? इससे पहले महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने भी अमित शाह के बयान पर पलटवार किया था। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि इस तरह का बयान बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से लोगों का ध्यान हटाने के लिए दिया गया। महबूबा ने कहा है कि खुद को मसीहा और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को देश का दुश्मन की तरह पेश कर भारत को बांटने के बीजेपी के हथकंडे का अनुमान लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के स्थान पर लव जिहाद, टुकड़े टुकड़े और अब गुपकार गैंग राजनीतिक विमर्श में हावी हो गया है। उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं आदरणीय गृह मंत्री के इस हमले के पीछे के गुस्से को समझ सकता हूँ। उन्हें बताया गया था कि पीपल्स अलायंस चुनावों का बहिष्कार करने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता तो बीजेपी और नई बनी पार्टी को जम्मू कश्मीर में मनमर्जी छूट मिल जाती। हमने उनके मन मुताबिक फैसला नहीं लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अब्दुल्ला ने कहा, बस जम्मू कश्मीर में ही नेताओं को हिरासत में लिया जा सकता है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और चुनावों में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्र विरोधी बुलाया जा सकता है। सच्चाई यह है कि जो भी बीजेपी की विचारधारा का विरोध करता है उसे भ्रष्ट और राष्ट्रद्रोही का लेबल दे दिया जाता है। बता दें कि अमित शाह ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा था कि कांग्रेस और गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर को आतंक और अशांति के दौर में वापस ले जाना चाहते हैं। वे दलित महिलाओं और आदिवासियों के अधिकारों को छीनना चाहते हैं, जिनको हमने आर्टिकल 370 हटाकर सुनिश्चित किया है। यही वजह है कि लोग उन्हें हर जगह खारिज कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।